फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड इतना पॉपुलर टर्म है कि आप समझ लीजिए इसके ऊपर एक ज़माने में हम एक टैक्स भरते थे जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी हमारे करंट एरा में जो जीएसटी भी चल रहा है वो जीएसटी भी एक तरह से वैल्यू एडेड टैक्स ही है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट देने नहीं आया हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट वैल्यू एडेड का मतलब बताने आया हूँ। वैल्यू एडेड का मतलब है कि आप जो मटेरियल बाजार से खरीद के लाए, ओके, से वो 100 रुपए का था और जब ये मटेरियल के ऊपर आपने मेहनत की, इसका रूप रंग यूटिलिटी चेंज किया, तो उससे एक नया आउटपुट बन के आया जिससे कुछ नया यूज निकला। नया यूज निकला तो ही हम बोलते हैं आपने उस पर वैल्यू ऐड किया। जैसा है वैसा ही रहने दिया तो वैल्यू ऐड नहीं हुआ। वैल्यू ऐड तब हुआ जब आपने वो रॉ चीज को किसी और काम के लायक बना दिया, ओके। तो जो आउटपुट आप जनरेट किए उसकी आपने फिर कीमत लगाई, से वो कीमत हो गई 300 रुपए, ओके। तो वो 100 से 300 के बीच में जो गैप है वो गैप का ही नाम है वैल्यू एडेड। ये गैप का ही नाम है वैल्यू एडेड, जिसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस द मटेरियल कॉस्ट, विच यू कैन इन डिसगाइज आल्सो से एज इट इज। आप मटेरियल के बाद अगर कॉस्ट के एंगल से सोचो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कॉस्ट इनकर किए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर किए और फिर उन सब पे अपना एक मार्कअप रखा अपने मेहनत का वसूली बोलकर। तो जब आपने इन तीनों को इसके साथ इंक्लूड किया मटेरियल के साथ तो सेल्स बना और ये तीन ही एक तरह से आपका वैल्यू एडेड का अमाउंट है। आपने उस मटेरियल पे लाके क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया उसका मॉनेटरी अमाउंट को हम वैल्यू एडेड बोल रहे हैं। आपने उसके ऊपर लेबर खर्च किया, आपने उसके ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड डाला, आपने उसके ऊपर अपनी प्रॉफिट रखी। प्रॉफिट आपको तभी मिलेगी या आप जस्टिफाइड तभी हो प्रॉफिट लेने पर जब आपने उस मटेरियल से कुछ नया यूटिलिटी क्रिएट किया। जैसे आप बाजार से रोल में कपड़े ले आए, रोल में थान में कपड़े ले आए और फिर उस थान के कपड़े को कट करके आपने उसको बहुत सुंदर सा एक शर्ट बना दिया। अब थान वाला कपड़ा किसी काम का नहीं था किसी के लिए, बट वो शर्ट पहनने के काम आता है। तो अगर आपने उसके रूपरेखा में उससे एक नई यूटिलिटी जनरेट कर दी, उसके ऊपर मेहनत करके एक उसका नया यूज जनरेट कर दिया, आपने वैल्यू ऐड किया, तो उस वैल्यू ऐड का कुछ मॉनेटरी अमाउंट होना चाहिए और वो मॉनेटरी अमाउंट है 200 रुपए इन दिस एग्जाम्पल, ओके। लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड को मिलाकर हम लोग एक और नाम दे रखते हैं जनरली, कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी आप वैल्यू एडेड जान पाते हैं, ओके। अब जीएसटी में इसका यूटिलिटी कैसे है वो आपको आपके जीएसटी लेक्चर्स में या जीएसटी के टीचर आपको बताएंगे। थैंक यू।